उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा है उसको मूर्त रूप देते हुए माननीय रेल मंत्री, माननीय रेल राज्य मंत्री ने एक दूरदृष्टि वाला रेल बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस वर्ष का रेल बजट लोक लुभावन घोषणाओं से पूरी तरह मुक्त है। भारतीय रेल बहुत ही जर्जर हालत में हमारी सरकार को विरासत में मिली है। यदि हम परंपरागत धरे पर चलते रहें तो रेलवे की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए समय की मांग है कि लोक लुभावन घोषणाओं के ऊपर उठकर व्यापक रेलवे सुधारों पर ध्यान दिया जाए ताकि रेलवे का कायाकल्प हो सके। माननीय रेल मंत्री ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए उन्हीं व्यापक सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल एवं सुस्थापित नेतृत्व में भारतीय रेल नई बुलंदियों को हासिल करेगा। मैं इसके लिए पुनः माननीय रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, जो बिहार का एक अत्यंत पिछड़ा इलाका है, की ओर आकृष्ट करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। महाराजगंज, एकमा, मसरक और दाऊदपुर को मॉडल स्टेशन बनाया जाए और वहां रेलवे टिकट आरक्षण काउंटर सुव्यवस्थित रूप से चलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। महाराजगंज में उपलब्ध रेलवे की लगभग 50 एकड़ जमीन पर एक रेल फैक्ट्री खोली जाए। इससे इस जमीन का सदुपयोग होगा, रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होगी और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महोदय, छपरा से मढ़ौरा मसरक होते हुए थावे तक जाने वाली रेल लाइन पर हो रहे आमान परिवर्तन के अधूरे काम को यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। महाराजगंज से मसरक तक रेल लाइन बिछाने के अधूरे कार्य को पूरा कराया जाए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि छपरा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण को रेल सुविधाओं से जोड़ने के लिए छपरा और रक्सौल के बीच भया जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, मलमलिया, मोहम्मदपुर, मोतिहारी होते हुए एक रेल लाइन का निर्माण कराया जाए और उसे जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि को जोड़ने का काम किया जाए। महोदय, मांझी बकुलाहा के बीच सरजू नदी पर निर्माणाधीन रेल पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए। मांझी में वर्षों से निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए। NH 85 पर बनवार, आमडारी और बरहमपुर से जलालपुर के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। NH 101 पर श्यामचक से करिंगा के बीच बनारस एवं गोरखपुर रेलखंड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। मढ़ौरा में रेल इंजन फैक्ट्री बनाने की घोषणा वर्षों पूर्व की गई थी। शिलान्यास का काम भी महोदय पूरा कर दिया गया था, लेकिन भूमि का अधिग्रहण भी उसके लिए करना काम शुरू कर दिया गया था। रेल विभाग का उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए भी लग गए, लेकिन उस काम पर अभी आगे प्रगति नहीं है। आग्रह है कि उससे काम को शीघ्र पूरा कराया जाए। दाऊदपुर और एकमा के बीच ग्राम माने लक्ष्मीपुर के नजदीक के हाल्ट स्टेशन जनहित में बनवाया जाए। महोदय, छपरा जंक्शन का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर एवं रिबिलगंज स्टेशन का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर नामकरण किया जाए। महोदय, छपरा जंक्शन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जाए एवं स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाए। गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस जो छपरा बलिया होते हुए दिल्ली तक आती है उसे प्रतिदिन कराया जाए। महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा रेल मंत्री और राज्य मंत्री जी को, क्योंकि इन्होंने स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पैसेंजर सेफ्टी और फैसिलिटी, 359 रेलवे ऐसे परियोजनाएं जो 30 से वर्ष वर्षों से लंबित है उसे पूरा करने का, महिला के डब्बों में, रेलवे डब्बों में CCTV कैमरे लगाने का, ऐतिहासिक के क्योंकि इस बजट में डिब्बों और गाड़ियों पर चर्चा करने के बजाय व्यापक रेलवे सुधार का खाका पेश किया गया है और पहली बार प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी उन्नयन और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक ठोस दृष्टि दिया गया है। और इसके साथ ही भारतीय रेलवे के इस बजट में जो उन्होंने अपनी दृष्टि दिखाई है, भारतीय रेलवे एक बार फिर आर्थिक विकास में मुख्य सहायक बनेगा। अधिक निवेश के लिए संसाधनों का दोहन होगा, इससे व्यस्त मार्गों को सुगम बनाना और रेल की गति बढ़ाना, तेज गेज परिवर्तन, दोहरे तिहरे और विद्युतीकरण पर जोर देना, परियोजनाओं को पूरा करना, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा, पारदर्शिता तथा प्रणाली में सुधार, रेलवे को जनता के लिए यातायात का प्राथमिक माध्यम बनाया जाना। इसलिए मैं पुनः रेल मंत्री को बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप धन्यवाद।